आमी बुझे समय शिक्षित। ये बोलते डॉक्टर मुनीर, पाकिस्तान है तो हम हैं। मेरे ख्याल में इस लारा का एक्सपायरी डेट आ गया। जो बात हुआ था, आमी अपना आपको बोले देसी। अगर एक बार घर का एजेंट बोतल से बाहर आ गया। भाईजान आपको मालूम नहीं लोग किस कदर ट्रैश में था। अपनों से मुकालमा करने के बजाय अपने दुश्मन की तरफ देख रहा है। आप स्टोरी को रिराइट करना पड़ेगा। एक बॉल की जगह रविंद्रनाथ टैगोर को लाना पड़ेगा। नफरत के अलावा कोई जुबान बाकी नहीं। हम तो बोलता है अभी बादशाह यूनिवर्सिटी वापस चले जाओ। पाकिस्तान का एजेंट और जानते हैं कि आपने सामान का बर्दाश्त नहीं करा। हम वापस नहीं जाएगा कुमार। हम सिर्फ अपने जमीर को जवाब दे हैं। दुनिया भर में तशद्दुद के जरिए रियासती निज़ाम को पलटने की मिसालें मौजूद थी, मगर हमारा ऐसा कोई तजुर्बा न था। पाकिस्तान मेरा आइडियल था। इसका टूटना मेरे लिए सख्त सदमे का सबब था। मैं सोचता रहा कि अगर मैं इस सूरत हाल से निकलकर जिंदा भी रहा तो अपने ख्वाबों के मलबे पर किस तौर ज़िंदगी बसर कर सकूँगा। जिन ख्वाबों पर मेरी ज़िंदगी का मदार था, उनका मज़े का उड़ाने वाले माशरे में ज़िंदा रहना किसी सूरत आसान न था। ज़िंदा रहने और कुछ कर गुजरने के लिए इंसान के पास कोई ना कोई आदर्श तो होना ही चाहिए। नजरिया पाकिस्तान हमारे लिए सब कुछ था। ये हमारे रगोपे में सरायत किए हुए था। इससे हटकर जिंदा रहना हमारे लिए नाकाबिले तसव्वुर था।